राम दोस्तों, पीकेएमस्त्री व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कर रहे हैं फ्रंट का प्लस्तर, ये फोर्स का तो प्लस्तर करके तैयार कर दिया और साइड का प्लस्तर करेंगे। किस प्रकार से पैड बांधा, हाँ पैड बांधन देखे लेकर गुरुमाला मानते लेके फट्टी मानते लेके सारा काम की आपकी वीडियो दिखावाएंगे, लास्ट तक जरूर देखियो। ये देखो भाई किस प्रकार से मिस्त्री भाई पैड बना रहे हैं। ये चार बल्ली काट दी हैं, चार बल्ली काट गए, एक दो तीन चार, और इसके अंदर ये आठ फुट की हाइट पर हमने एक एक प्रकार बांध लिया और उसके ऊपर डबल स्टोरी है, देखो दूसरी मंजिल है तो इसके ऊपर भी हमने सबसे पहले बर्जा ऊपर रखनी पड़ेगी ताकि ऊपर वाला बर्गा आसानी से बांध सके। पक्का काम करिए मिस्त्री जी, ये मिस्त्री लग रहा है भाई सुरेंद्र काम करने के लिए। इसके ऊपर कोनी पैड घेर दे भाई, पत्थर है जुला गांठ दो मारिए भाई, एक बार जुला आड़ा रस्सी लेके आ जुला गांठ मारती दिखा, एक बार ऊपर मारा कर। किस प्रकार से लपेटा दिया जाता है ये देखो भाई, पहले ये डबल करनी पड़ती है, ये डबल कर ली मिस्त्री ने, बांस पे लपेटा दे दिया, ये घुमा के आराम से ये इसके अंदर से निकालना पड़ता है। एक बार और खोल के दिखा, दोबारा दिखा, पैड बांधने के लिए ये गांठ बहुत ज़रूरी है भाई, ये सबको नहीं लगानी आती, बहुत ही कम मिस्त्री मिलते हैं जो इस प्रकार की गांठ लगाते हैं। झुलाया ये रस्सी यहाँ पर रखी, हाँ, और इसको ऊपर को घुमाया और इसके बीच को निकाल दिया ये देखो, और इसको दोनों साइड से पकड़ के खींच के टाइट कर दे, ये होगी भाई झुलाया। अब इसके ऊपर बरगा रख, हाँ ये रख के, और पेटी बांध इसकी, ये पेटी बांध दी भाई इसकी, यहाँ से निकाल, इस प्रकार से भाई पैड बांधनी चाहिए। ये रस्सी है बहुत ही मजबूत होती भाई, इस पर कितनी भी टाइट करके बांध ले तो उतना ही टाइट हो जाएगा। इसी प्रकार सारी पैड बनाएं भाई, एक पैड और बंधनी है उसके ऊपर आठ, यानी लेंटर से आठ फुट के दो रोबे दिख रहे हैं ना, पहले से रोबे छोड़ रखे हैं, इसके ऊपर बांधेंगे। बरगा पकड़ ले सुरेंद्र, बरगा पकड़ ले, बंदा काम कर चलेगा फिर अपना, बरगा ले ले इसे। अकेला बंदा नहीं है इसमें, पैड बांधनी बहुत मुश्किल हो जाए, ये देखो फिर भी मेहनत कर रहा है बंदा, इस प्रकार से बना रहा है। अब ये हाइट पे चला गया भाई, वही भाई ध्यान से करना, रस्सी डबल बांध लेना अपनी, डबल रस्सी टूटेगी नहीं। ये भाई बना के तैयार कर दी पैड, अब इसके ऊपर पानी लगा के और सिमटा होल डाल के प्लस्तर करना चालू करेंगे, उधर मसाला बन रहा है। ये भाई सबसे पहले कटाई देखनी होती है, कटाई होती होगी तो कटाई करनी पड़ेगी। तो भाई एक बंदा कटाई कर रहा है और एक बंदा तराई लगा रहा है, सबसे पहले तराई का काम बहुत ज़रूरी है, इसको गीला कर लेना चाहिए ताकि मसाला सूखे ना। इस प्रकार से सीमेंट का घोल लगाना चाहिए बिल्कुल गाढ़ा, ये देखो बिल्कुल काला कर दे इसको, देसी भाषा में बोलना जैसे बिल्कुल गहराई से सीमेंट का घोल लगाना चाहिए ताकि हमारा मसाला गिरे ना। ये देखो भाई यहाँ पे लगा, ये दिख रहा है ना, ये देखो इस हाथ ना टाले ना कैमरा आगा थड़ा है, हाँ ऐसे, ये देखो भाई नीरू लगा के इस प्रकार से छापना चाहिए, इस साइड मुंह कर लूँगी, साथ ही छाप देंगे दिख जाएंगे बराबर, मसाला उठावे बराबर लगावे। और देख भाई यह भी खासी बात अपने में, या तो परमानेंटली है भाई, कोई बता नहीं सकता कौन सा आपने काम करो। इस प्रकार से कोनी ने और बुला ले ऊपर मसाला दे देगा,
रोक ले करने के बाद इस प्रकार सीधा करना चाहिए। वो ये देखो, फिर इसके ऊपर एक सार करके पट्टी लगाएंगे, बिल्कुल सूत बांध के, सूत में आज हमने भाई 11 बजे तक डबल स्टोरी की पैड बांध के छपना शुरू कर दिया है। पैरापिट वाल का प्लास्टर की तैयारी कर दी है। ये देखो, पानी मार के सीमेंट का घोल लगा के और एक चार का मसाला हमने छत पे बनवा लिया है। देखो, मिस्त्री लगा हुआ है मसाला बनाने के लिए, हमारा मजदूर, और ये साथ में हमारे पास श्रीपत और सुरेंद्र भी सफाई कर रहे हैं। देखो इस प्रकार से लगे हुए हैं। जिला मसाला मारिए भाई श्रीपत। हाँ, ये सुरेंद्र भी लग रहा है। ये पोनी बटाला किस प्रकार तय मिस्त्री भाई फट्टी लगा रहा है हाइट पे। ये देखो, बिल्कुल एक लेवल में सूत में। कितने अच्छे तरीके से फट्टी लगाई भाई ने। इसकी चटाक दोबारा से मारेंगे, फिर इसके ऊपर गुरुमाला लगाएंगे। बहुत अच्छा तरीका भाई का। ये साइड का प्लास्टर भी भाई ने साथ में लग के करवाया है, मन्ने और सुरेंद्र ने। इसका एक प्लास्टर देखते हैं, दो दिन में होता है या एक दिन में होता है। आज आरसीसी का करके पैरापिट वाल का और नीचे का करेंगे। ये पोटे मारने पड़ते हैं बाद में, और मार के दोबारा फट्टी फिर लगेगी। गुरुमाला लगाना शुरू कर दिया भाई सुरेंद्र ने। ये देखो किस प्रकार का गुरुमाला लगा रहा है, पोटे मार के ऊपर फट्टी रख के इस प्रकार का गुरुमाला लगाता भाई। एक बंदा ऊपर फट्टी पकड़ रखी है ताकि लेनी भाई। मिस्त्री का एक्शन देखो, किस प्रकार से अकेला ही फट्टी पकड़ के धार बना रहा है, दाऊन धार। इस प्रकार तो कलाकारी करनी हो जाती है भाई। ये किस्म तो देखो, गोडे टेक रखे मिस्त्री ने अपने पैड के ऊपर, और हाइट देखो कितनी है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और ना किसी को फट्टी पकड़ाता। मैं सच बताऊँ, मैं तो एक बंदे को फट्टी पकड़ाता हूँ जब जाके मेरे से धार बनती है। ये देखो कितना आसान तरीका बना रहा है वो अपना। या क्या बात है, बिल्कुल सूत में सीधी धार बनाता है। ले भाई, मैं भी मार ली थोड़ी सी हिम्मत थी। ये देखो फट्टी रख के किस प्रकार का गुरुमाला लगावा। हाँ भाई, मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, जो मजदूर है ना ये बोल देते हैं मेरे को नहीं बनानी आती, इसलिए मैंने अपनी वीडियो खुद बनानी पड़ती है। ये समस्या भाई। ये देखिए सुरेंद्र भाई लग रहा धार बनाने के लिए। इस प्रकार तो भाई हम अपना काम करा। हाँ, हमारा काम प्लास्टर का पैरापिट वाल का कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो देखिए दोस्तों, प्लास्टर की बनाएंगे, बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी। धन्यवाद।